तो यार आज का जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब जो आज की वीडियो में जो हम एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सच में कह रहा हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत करना घर पे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मतलब मेरे मन में, मतलब मेरे दिमाग में एकदम से मतलब आइडिया आया कि ऐसा करके देखें तो क्या होगा। तो आइडिया क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया क्या था, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, एक लाइटर है ना, इस लाइटर के अंदर भरी हुई है बुटेन गैस, जो कि इनफ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से आग पकड़ती है, जिस वजह से वह लाइटर जल जाता है। लेकिन जो यहाँ पर अंदर देखा होगा, कभी नीचे, इसके नीचे ये एक नोज़ल लगा होता है, देखा है आपने कभी? जब हम इसको मतलब प्रेस करते हैं, यानी कि जब इसके अंदर, जब हम इसको प्रेस अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, तो वो जो सारी जो मतलब इसके अंदर जो गैस है वो रिलीज हो जाती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करो, ऊपर आपको देखो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो मतलब होता क्या है, वो जो गैस निकलेगी वो तो इन्फ्लेमेबल होगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं उसी मतलब जब इसको दबाऊंगा और वो जो गैस मतलब वो जो बाहर आएगी, उसके पास एक जलती हुई कैंडल रख दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया पूरी सेफ्टी के साथ किया गया, तो आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओह गाइस, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये आज सच में ऐसा हुआ था। मतलब कितना, मतलब एकदम से जो था कितना बड़ा, मतलब एक क्लाउड बन गया था आग का। मतलब दैट वाज ऑसम यार, मतलब एक सेकंड के लिए हुआ था, सिर्फ एक सेकंड के लिए। नहीं देखा होगा शायद आपने, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से देख लो स्लो मोशन में। दोस्तों बस यही होता है जब हम इस लाइटर की जो गैस है उसको एकदम से कैंडल के पास रिलीज़ कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।